वेलकम टू कैमरा एंकर्स। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्लास 11th का रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर का लेक्चर 2। लेक्चर 1 में हमने क्या देखा था? लेक्चर 1 में हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम रिडॉक्स रिएक्शन को डिफाइन करेंगे क्लासिकल आइडिया के बेसिस पे। क्लासिकल आइडिया के बेसिस पे मतलब एटम्स, कौन सा एटम अटैच हो रहा है, कौन सा रिमूव हो रहा है, इसके बेसिस पे। तो समरी जस्ट वही थी। अगर हम एक ओवरऑल एक समरी को जस्ट कंक्लूड कर लें तो अगर हमारे रिएक्शन में एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड हो जाता है, ठीक है, तो वो ऑक्सीडेशन होगा, और अगर ये रिमूव हो जाते हैं तो वो रिडक्शन होगा, और अगर अलग दूसरे टर्म्स में बोलें तो हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम रिमूव हो तो वो ऑक्सीडेशन और ऐड हो जाए देन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, और जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और जनरली दोनों एक साथ होते ही है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में वहाँ रिडक्शन हो ही रहा होगा, ठीक है। तो अब हम दूसरे मेथड से इनको पता करेंगे, वो तो क्लासिकल मेथड था, ठीक है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड के बेसिस पे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, अगर हमें सम हाउ रिएक्शन में ये पता चल रहा है कि इसमें इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, और उसके बेसिस पे अगर हमें बताना पड़े कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, तो इस मेथड से उसको फाइंड आउट करेंगे। जैसे अगर हम इस वाले एग्जांपल को देखें तो ये हम पहले देख चुके हैं। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि सोडियम में हमारा क्लोरीन ऐड हो रहा है, तभी तो NaCl बन रहा है, क्लोरीन ऐड हो रहा है, और क्लोरीन हमारा क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये क्या था हमारा, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये भी हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन। इसमें सल्फर ऐड हो रहा था, ये भी अपना क्या है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन तो हमने देख लिया, अब जरा अगर रिडक्शन की बात कर लें तो अब आप ये देखिए, यहाँ पे क्लोरीन है और क्लोरीन में यहाँ पे सोडियम अटैच हो रहा है क्लोरीन के साथ, और सोडियम क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, तो यहाँ पे Cl2 का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। ऐसे ही ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, और सल्फर का यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि इन तीनों के साथ यहाँ पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम दैट इज सोडियम ऐड हो रहा है, ठीक है। तो एक ही रिएक्शन में आपने क्या देख, एक ही रिएक्शन में यहाँ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये सारी जो रिएक्शंस हैं, ये सारी कैसी रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, ओके। ये सब एग्जांपल्स हैं रिडॉक्स रिएक्शन के। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बेसिस पे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बेसिस पे किस तरीके से पता करेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है? अभी हम ऊपर वाले एग्जांपल को ही ले चलते हैं। ऊपर हमने क्या देखा था, NaCl वाला था एग्जांपल, कि Na था और उसके बाद Na के साथ अपना Cl2 था, और यहाँ पे 2Na हो जाएगा, बैलेंस करना पता ही है, Na लिख लिया, ठीक है, सोडियम Cl2 और अब NaCl, अब इसको आप बैलेंस कर लेंगे आराम से। सोडियम एक है लेकिन क्लोरीन दो चाहिए, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया, 2NaCl किया, तो यहाँ पे क्लोरीन के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, सोडियम के साथ दिक्कत है, तो यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई किया। तो ये अपना ओवरऑल रिएक्शन है, और बैलेंस करना मैंने अपने एक लेक्चर में बताया है, तो वहाँ से देख सकते हैं बैलेंस करने का। आई थिंक क्लास 10th का चैप्टर 1 में है बैलेंस करने का, ओके। तो अब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड को जरा देख लेते हैं। जैसे NaCl है, ठीक है, तो ये आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जो आयंस में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, तो ये Na प्लस और Cl माइनस इनमें डिवाइड हो जाएगा। हो कैसे जाएगा, क्यों हो जाता है करके एक बार जल्दी से उसको देख लेते हैं। NaCl 11 Na, ठीक है, 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो क्या होगा, 2, 8, 1। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ तक तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए उसके ऑक्टेट को कंप्लीट होना जरूरी है, मतलब उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो ठीक है, वरना 8 इलेक्ट्रॉन, कुछ कुछ में 2 होते हैं, ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब आप ये देखेंगे इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ईजिली निकाल देगा और ये स्टेबल हो जाएगा। इसी वजह से Na जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ईजिली निकाल देता है और इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। तो आप ये देखिए कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकला, मतलब Na ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ओके। तो अब Cl का देख लें, Cl का क्या केस है, 17 Cl होता है, 2, 8 एंड देन
सेवन, 17 हो गया, 17 Cl इस तरीके से लिख गया। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये 8 हो जाएगा, इसलिए Cl माइनस होता है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो अब आप भी देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन इन्हें देना चाहेगा, Cl लेना चाहेगा, तो ये दोनों एक दूसरे से मिलकर एक स्टेबल कंपाउंड बना लेंगे, वो होता है NaCl, इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, तो फिलहाल इसको रब करते हैं, अपना जो पार्ट है उस पर वापस आते हैं। इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं, सोडियम क्या है, क्लोरीन क्या है, अगर नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं इसको भी किसी एक लेक्चर में क्लियर कर दूंगी। ठीक है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ना तो प्लीज़ उसको पूछ लो। ओके, तो अभी आप इधर देखिए, इनको NaCl को कैसे लिख सकते हैं, Na प्लस Cl माइनस। ओके, और Na2O को कैसे लिख सकते हैं, Na2O को कैसे लिख सकते हैं, देखिए Na तो प्लस में ही जाएगा, Na2 प्लस नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था निकालने के लिए, तो ये गलत है, ये सही है। ठीक है, अब अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन क्या था, ऑक्सीजन है अपना 8O16, मतलब 8, 2, 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब इसको आउटर मोस्ट में जाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस वजह से ये इस फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो अब Na प्लस है और O 2 माइनस है, अब ये कंबाइन कर ही नहीं पाएंगे, इसके पास 2 नेगेटिव चार्ज है, इसके पास एक ही पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको मतलब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसमें 2 पॉजिटिव होगा, 2 नेगेटिव होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। अब इनको लिखेंगे कैसे, या तो ऐसे लिख लो, लेकिन और कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब Na के 2 ऑक्सीजन का एक Na2O। ओके, अब मैं आगे नहीं बताऊंगी किस तरीके से लिखते हैं क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा ले लेगा, अगर पूछना है तो अलग से इसको पूछ लेना। अभी हम आगे चलते हैं, जो हमारा टारगेट है उसको कंप्लीट करते हैं। ओके, जिस तरीके से हमने Na2O को लिखा उसी तरीके से Na2S, क्योंकि सल्फर भी क्या है, 16S है। ठीक है, 2, 8, 6, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए ये भी H2 माइनस होता है। ओके, चलिए तीनों को हमने कर दिया डिफाइन, हो गया। अब इनका इस तरीके से देखो कैसे, जो रिएक्शन ऊपर लिखी हुई थी इसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बेसिस पे यहाँ पे क्लियरिफाई कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं, इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पे सोडियम था और यहाँ पे 2Na+ है। ठीक है, ये 2 बाहर है, 2 बाहर होने का मतलब है कि Na के पास भी 2 हैं और Cl के पास भी 2 हैं, ये 2 बाहर होने का मतलब यही है कि ये दोनों के साथ है। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पे 2Na है 2 और यहाँ पे 2Na+ है, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करिए, खो दिए, सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन खो दिए। प्लस चार्ज तब होता है जब वो इलेक्ट्रॉन खो देता है, लूज कर देता है, किसी और को दे देता है। माइनस चार्ज तब आता है जब वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है, अडॉप्ट कर लेता है, इसलिए जो प्लस चार्ज रखते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं क्योंकि इस पर प्लस चार्ज है, प्लस माने पॉजिटिव, प्लस माने पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, और जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो इलेक्ट्रो नेगेटिव है, नेगेटिव है, वो इलेक्ट्रो नेगेटिव है, इसलिए Cl क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव है और सोडियम क्या है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो कुछ समझ में आ रहा है, चलो ठीक है आगे देखते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन खो दिए और क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। ठीक है, दूसरी रिएक्शन देखते हैं, सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसी तरीके से इसमें होगा। अब इनमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, तो उसके लिए आप जरा यहाँ इसका कंक्लूजन देख लीजिए, इसका कंक्लूजन आप एक देख लीजिए, यहाँ पे ये है, ऑक्सीडेशन कब होगा, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज, ऐसा स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। हमारे प्रीवियस केस में सोडियम क्या कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे रहा था, मतलब सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा था Na प्लस में, Na का ऑक्सीडेशन Na प्लस में। ठीक है, तो अब रिडक्शन क्या है, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा था, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा था उसका रिडक्शन होगा, जैसे अपना क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा था तो अपना क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा था। ठीक है, अभी केवल इन्हीं 2 चीज़ों को देखना है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे अपना क्या क्लियर हुआ, हम अपने दोनों कॉन्सेप्ट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक बार इसको क्लीन करते हैं दोनों कॉन्सेप्ट से। अभी तक हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, पहला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है क्लासिकल कॉन्सेप्ट, दूसरा हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट। दोनों के बेसिस पे देखते हैं, चलिए एक के बेसिस पे कंफ्यूज हो जा रहे हैं, कोई बात नहीं, दूसरे के बेसिस पे कर लेंगे। सबसे पहले अपना क्लासिकल मेथड देखते हैं, सोडियम है और NaCl हो गया, मतलब उसने इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम को ले लिया, तो ये क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। पहले के बेसिस पे क्लियर कि यहाँ सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ क्लोरीन है उसके साथ सोडियम अटैच हो गया, मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव अटैच हो गया, तो इसका रिडक्शन हो गया। भाई साहब, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में कंफ्यूज नहीं होना है,
इलेक्ट्रो नेगेटिव और इलेक्ट्रो पॉजिटिव में कंफ्यूज नहीं होना है, प्लीज़ करके इसको एक बार रिवाइज कर लेना। ओके, तो सोडियम है और यहाँ पे NaCl। अब यहाँ पे सोडियम ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए तो ये क्या हो गया इसका ऑक्सीडेशन, और इसने गेन किए तो इसका क्या हो गया यहाँ पे ये रिडक्शन। तो ये अपना रिडक्शन हो रहा है, ये अपना ऑक्सीडेशन हो रहा है। हमें पता है एक ही रिएक्शन में अगर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये क्या है अपनी रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। एक तीसरा तरीका और है, इसी टर्म्स में हम देख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, अगर पता है, अगर सुना है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है तो उसके बेसिस पर आप एक बार यहाँ देख लीजिए। अगर कोई भी एलिमेंट अपने नेचुरल फॉर्म में होता है तो उसका एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता है। यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, जीरो। क्लोरीन का क्या है, जीरो। अब Na प्लस है यहाँ पे, तो यहाँ पे Na का कितना है प्लस वन और क्लोरीन का कितना है माइनस वन, तभी तो इसका ओवरऑल जीरो हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल जीरो तभी तो होगा, ओवरऑल जीरो चार्ज होगा तभी तो वो कंबाइन होकर न्यूट्रलाइज होंगे। अगर ओवरऑल जीरो चार्ज नहीं होगा तो कंबाइन होकर न्यूट्रलाइज नहीं होंगे, उनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होगा, ठीक है। अब सोडियम जीरो से प्लस वन में गया तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना, इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इसमें जीरो से माइनस वन में गया है मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घट जाना, इसे कहते हैं रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो हमने यहाँ एक ही एग्जांपल को तीन प्रोसेस के बेसिस पे देखा है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इस पे ध्यान दीजिए प्लीज़, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। देखिए, सोडियम ने क्लोरीन को लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को लिया, ऑक्सीडेशन हो रहा है, चलो ठीक है। दूसरा देखते हैं, सोडियम Na प्लस में गया मतलब उसने इलेक्ट्रॉन खो दिए, इलेक्ट्रॉन खोने वाले को ऑक्सीडेशन कहते हैं, ओके। तीसरा देखते हैं, सोडियम Na प्लस में गया मतलब जीरो से प्लस वन में गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, मतलब यहाँ पे सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तीनों डेफिनेशन के बेसिस पे हमने क्लियर कर दिया कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, ठीक है। ओके, रिडक्शन देखते हैं, क्लोरीन सोडियम के साथ अटैच हुआ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ अटैच हुआ, रिडक्शन हो रहा है, पहले ने बताया। दूसरे से देखते हैं, क्लोरीन जो है वो जीरो से माइनस वन में जा रहा है मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, जीरो से नीचे गिर रहा है, मतलब जितना प्रेजेंट में है, ये नहीं है कि हमेशा जीरो से नीचे गिरेगा, जितना है उससे कम हो जाता है तो रिडक्शन है और उससे ज़्यादा हो जाता है तो ऑक्सीडेशन है। जीरो माइनस वन तो जीरो से छोटा है ना, तो जीरो से कम हो जा रहा है मतलब उसकी ओरिजिनल ऑक्सीडेशन नंबर से कम हो जा रहा है, तो ये क्या है, रिडक्शन। और तीसरा हम देखते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसे क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो तीनों के बेसिस पे हमने इसे क्लियर कर लिया है। ओके, अब एक छोटी सी चीज़ देख लेते हैं, वो क्या है कि जो हमने पीछे एग्जांपल आपको बताया उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए, अलग अलग करके लिखा है और कुछ नहीं, उसमें हम एक साथ लिख दे रहे थे, इसमें अलग अलग करके लिखा है। और जब देखिए यहाँ पे ये जो स्टेप लिखा है, ये जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, पहला इलेक्ट्रॉन लूज इलेक्ट्रॉन पहला, दूसरा क्या है, जीरो से प्लस वन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज। तो ये अपना स्टेप कौन सा है, ऑक्सीडेशन का स्टेप है ये अपना, और ये अपना क्या है, ये अपना रिडक्शन का स्टेप है। अब अगर हम ऑक्सीडेशन के स्टेप को और रिडक्शन के स्टेप को अलग अलग लिख लेते हैं तो उसे कहते हैं हाफ सेल। तो एक अपना हाफ सेल ये हो गया और दूसरा अपना हाफ सेल ये हो गया, तो ये अपना पहला हाफ सेल है, अपना दूसरा हाफ सेल है। इन दोनों हाफ सेल को अगर हम ऐड करते हैं, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो टू इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें ये रिएक्शन मिलेगी, इसे ही हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अगर कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दी गई है और नहीं पता कर पा रहे हैं तो उनको हाफ सेल में डिवाइड कर लो, हाफ सेल में डिवाइड करने के बाद उनके इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर लो, उसके बाद कैंसिल आउट करके लिख लो। ये हम करेंगे, ये प्रोसेस जब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ट्रिप क्वेश्चंस आएंगे जिसमें बैलेंस करना होगा रिएक्शन को कि हाँ बैलेंस करके लिखिए, तब हम इस तरीके से करेंगे, हाफ सेल में उसको ब्रेक करके और चार्ज और एटम सबको बैलेंस करके उसके बाद उसको सम करेंगे और तब फाइनल हम बता करेंगे कि ये क्या प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ये तो हमने ऑक्सीडेशन पूरा हमने क्लियर कर लिया, अब यहाँ पे एक नया टर्म दिखाया गया है उसको देख लेते हैं। और वो नया टर्म अपना क्या है, ये देखिए अपने पास दो नए टर्म यहाँ पे आ रहे हैं, वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो जो हमने अभी तक बताया उसके बेसिस पे थोड़ा सा इसको सोचने की कोशिश कीजिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ये वो एजेंट है जो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं,
ठीक है, ये वो एजेंट हैं जो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, और अगर ये दूसरे को ऑक्सीडेशन कर रहे हैं मतलब इनका खुद का क्या हो रहा होगा, रिडक्शन, इनका खुद का रिडक्शन हो रहा होगा तभी तो ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे को रिड्यूस कर रहे हैं, मतलब इनका खुद का क्या हो रहा होगा। ऑक्सीडेशन, देखिए भाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही स्टेप में साइमल्टेनियसली होते हैं, एक साथ होते हैं दोनों, अगर एक ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा रिड्यूस होगा, और इस तरीके से ही होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं इसको, वही ये कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन यही कह रहा है कि सोडियम है, ऊपर वाले एग्जांपल में हमने क्या देखा, सोडियम है जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा था, सोडियम ऑक्सीडाइज्ड, खुद ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है मतलब दूसरे को रिड्यूस कर रहा होगा, इसकी वजह से सोडियम जो है वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो किसकी तरह एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। अब उसी वाले केस में क्या था, हमारा जो क्लोरीन था, क्लोरीन जो है, क्लोरीन ऑक्सीजन सल्फर जो था वो रिड्यूस हो रहा था, जब ये खुद रिड्यूस हो रहा है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, वही यहाँ पे कहना चाहते हैं, तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर इस रिएक्शन को देखना चाहते हैं तो इसको एक बार कर लेते हैं, इसको दो हाफ सेल में लिख लिया है, चाहे आप ऐसे डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर लो कि सोडियम है और यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन से कनेक्ट हुआ है, और हमें पता है कि हाइड्रोजन का अगर एडिशन होता है तो उसे क्या कहते हैं, रिडक्शन। ठीक है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो इसका मतलब क्या है, सोडियम का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, सोडियम का यहाँ हाइड्रोजन का एडिशन। ओके वेट ए मिनट, सोडियम हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल। ओके नो वेट ए मिनट, इसको एक बार करेक्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है और डिफरेंट है, इसी वजह से इसमें एनसीईआरटी में अलग से दिया गया है। ठीक है, अब आप जरा इसको ब्रेक कीजिए, इसको क्या होगा, ये होगा Na+, ये होगा H-। ठीक है, अब हमारा सोडियम किस में जा रहा है, Na+ में। ठीक है, सोडियम Na+ में जा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसका मतलब सोडियम का यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम का यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, और हाइड्रोजन जो हमारा है, ये हाइड्रोजन हमारा इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसका क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन। ये तो इस बेसिस पे हो गया, अब दूसरे बेसिस पे देखते हैं, सोडियम जीरो ऑक्सीडेशन नंबर से प्लस वन में जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन, यहाँ देखिए जीरो से माइनस वन में जा रहा है मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, इस बेसिस पे भी देख लिया। अब जो हमारा पहला जो क्लासिकल मेथड था वो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, देखिए कोई कुछ कुछ एग्जांपल अगर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तभी हमें अल्टरनेटिव देखने पड़ते हैं, जैसे कोई भी मेडिसिन अगर बनती है अगर वो बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट रखती है या कहीं कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो हमको कोई दूसरी ऐसी मेडिसिन बनानी पड़ती है जो उसी से मिलती जुलती हो, उसी के प्रॉब्लम को क्योर करे लेकिन उसके साइड इफेक्ट ना हो, उसी टाइप से बहुत सारे मेथड हैं, तो कहीं पर कोई मेथड डिस्टर्ब कर जाता है। ठीक है, तो ये हुआ यहाँ पे, इसी तरीके से देखिए ये एक हाफ सेल लिख लिया था, वहाँ पे बताया कि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इस तरीके से ऑक्सीडेशन हो रहा है, फिर ये दूसरा हाफ सेल लिखा। ठीक है, फिर इस बेसिस पे इन्होंने क्या किया, दोनों हाफ सेल को कंबाइन करके बताया कि ये जो है वो एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ओके, तो थैंक यू वेरी